हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यहां आज हरियाणा राज्य दिवस मनाया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहे। सीएम मनोहर ने यहां पर हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। हरियाणा पवेलियन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा की थीम पर तैयार किया गया है। हरियाणा पवेलियन में बदलते हरियाणा की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें तकनीक के साथ कैसे पूरे हरियाणा को जोड़ा जा रहा है, इस पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी साझा की। हरियाणा राज्य दिवस को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया। मेला में सभी प्रदेशों को एक एक दिन का एक नियत समय तय किया जाता है, जिस दिन उस प्रदेश का वो दिवस होता है। तो आज हरियाणा दिवस इसके अवसर पर हम चर्चा करेंगे कि अपना जो हरियाणा मंडप है, उसमें प्रदेश की जो भी प्रगति है उसकी एक झलक मात्र है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, मात्र 200 स्क्वायर फुट का वो एरिया है। हम उसमें कुछ झलक दिखा सकते हैं नई नई चीजों की। हरियाणा 1966 में बना, और 66 में जब बना तो उस समय देश और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा था, क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था, कोई उद्देश्य नहीं था। आज के प्रकार से जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है, ये नहीं था। हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था वो हमें विरासत में मिला। तम लोगों ने मेहनत करनी शुरू की, और मेहनत करके आज स्थिति ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत विषयों में आज हरियाणा देश के कई प्रदेशों को राह दिखा रहा है। पिछले दिनों में मोदी जी ने जो टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं बनती हैं जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश तो फॉलो करते ही हैं, कभी कभी केंद्र सरकार भी उन योजनाओं को फॉलो करता है, कभी कभी केंद्र सरकार भी करता है। उदाहरण के रूप से बता सकता हूं आपको कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है नौकरी पहले, उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र का भी ये यूनिक एक कार्यक्रम है, न देश में किसी प्रांत ने इसको लागू किया है, न दुनिया में किसी देश ने लागू किया है, और अब उसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं कि ये कंसेप्ट, अभी तक तो आधार ये हमारा एक इंडिविजुअल का, एक सिटीजन का आधार नंबर होता था, उसकी आईडी होती थी, लेकिन हमने फैमिली आईडी दी कि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका डाटा होना चाहिए, कितने उसमें से पढ़ते हैं, कितने उसमें काम करते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनकी क्या क्या काम व्यवसाय क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम सरकारी योजनाएं ऐसी बना सकें जो डिजर्व करता है, जो सबसे आखिर में है, जो कमजोर है, उसको सहायता सरकार दे सके, उसके लिए योजनाएं बना सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपेरल हाउस में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण की खतरनाक होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दिशा में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मंथन करेगी और उपाय सुझाएगी। जल्द ही गाड़ियों को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद में स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा इन जिलों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। कई वर्षों से हम इसको
झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं, वाहन जो हैं डीजल के पेट्रोल के 10 साल और 15 साल उसके जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है, और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया उसकी सहमति दी तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर MCG और DC साहब भी ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो ये लड़ाई हमने लड़नी है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में कौशल प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पलवल के गांव दुधोला में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पलवल के गांव दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। देखिए, हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोज़गार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल कुछ हुनर उसका विकास हो ताकि रोज़गार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हर एक युवक को रोज़गार मिलना चाहिए तो उसके लिए कौशल विकास ज़रूरी है। इतना बड़ा जो संस्थान खड़ा किया है, देश का पहला संस्थान है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, और ये आज जिस विषय में उभर करके आया है, कितना समय हो गया इसको, तीन साल इसको हो गए हैं। आगे आने वाले और 1.5-2 साल के अंदर इसका स्वरूप सारा बन के निकलेगा, जिसके बाद 4,000 विद्यार्थियों से 4,000 युवाओं के प्रशिक्षण से ये काम शुरू होगा। 2030 तक 12,000 विद्यार्थी हर वर्ष यहाँ से कौशल विकास करके और अपने रोजगार के लिए आगे बढ़े। पिछले 3 साल में बात करें सर, कितने युवा यहाँ से तैयार होकर जा चुके हैं? अभी तक 2200 युवा, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग थोड़ी थी, तो 2200 युवाओं ने तो यहाँ से सर्टिफिकेशन कर लिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ने MOU किया है हमारे कौशल विश्वविद्यालय से, तो उनके माध्यम से भी बहुत से युवा रोजगार यानी कौशल उनका विकास हुआ है, ट्रेनिंग प्राप्त की है और उन्हीं इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी नौकरी भी प्राप्त की है। सर जी, तो 4 लाख युवा आता है, लेकिन हम मानते हैं कि लगभग 2 लाख युवा तो अपने आप ही अपने कामों के माध्यम से वो अपना काम रोज़गार प्राप्त करता है, बाकी 2 लाख को पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग कराई जाए इसकी योजना बना रहे हैं। उसमें यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे उसमें ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या शिक्षा के बाकी संस्थान भी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास इसको भी जोड़ दिया गया है, और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी हमने आज कहा है कि अपने कुछ इंस्टीट्यूट बनाएं और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करें, यहाँ से सर्टिफिकेशन उनको कराया जाए और यूनिवर्सिटी का जब नाम बड़ा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट की कीमत होगी, ताकि लोग इस यूनिवर्सिटी से और पढ़ करके निकलेंगे तो तुरंत रोजगार मिले। कहते हैं कि परचूने की दुकान पर नौकरियां बिक रही हैं इस तरह, 2-4 खरीद लाएं, हमको भी दिला दें अगर उनको खरीदने से मिलती हो तो खरीद लाएं और खरीद करके हमें भी बता दें कि यहाँ मिलती है, हम भी 4 लोगों को भेजेंगे, खरीद लाओ भाई वहाँ से। सर, हरियाणा सरकार ने हमारा जो कौशल प्राप्त किया हुआ जो युवक है उसको। खाद्य और आपूर्ति विभाग के ACS अनुराग रस्तोगी ने ANB न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इस बार पहले की तुलना में 2.5% कम पैड़ी की खरीद हुई है, तो साथ ही किसानों की पेमेंट को लेकर भी ACS अनुराग रस्तोगी ने जानकारी दी। हरियाणा में इन दिनों धान की खरीद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पिछले सालों की तुलना में
धान इस दफे कितना आया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल पिछला रहा है। तुलना हम करेंगे इससे पिछले साल की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। उनसे हम इनके साथ साथ अलग मुद्दों पर भी बात करेंगे, और हम ये भी बता दें कि इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन भी है, इसको लेकर भी हम कुछ जानकारियां इनसे लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये बताएं कि जिस तरह से, क्योंकि धान की खरीद है आप पूरी तरह से बंद हो चुकी है, एक तो ये बताएं कि पिछले साल के तुलना में, क्योंकि कई तरह के आप लोगों ने जो उपराले किए हैं जिसमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा था और उसको लेकर, क्या इसमें कोई कमी आई इस दफ़े धान की फसल में, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी धान यहाँ पर आता था? देखिए अभी फाइनल फिगर्स लगभग आ रही हैं। आज की मौजूदा टेंटेटिव फिगर है लगभग 55,27,000 टन के करीब धान की खरीद इस साल हुई है। 1,30,000 टन पैडी कम प्रक्योर हुई है। तो एक कहा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5% कम आई है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं यही देखता हूँ कि क्योंकि हमने बाहर के प्रदेशों से इस बारी पैडी अलाउ नहीं की। खरीद अब पूरी लगभग हो चुकी है और मंडियां भी बंद हैं। अगर आज की घड़ी हम आपसे जानना चाहें कि कितने जो किसान हैं उनकी पेमेंट की क्या स्थिति है, क्या लगभग सभी किसानों को पेमेंट हो चुकी है, और जो ये पेमेंट हुई है क्या अभी भी बैंक के माध्यम से हुई है, आड़तियों के माध्यम से ना होकर? देखिए पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई भी बीच में पेमेंट सिस्टम में कोई और कड़ी नहीं है। हमारे पोर्टल से, ई खरीद पोर्टल से डायरेक्टली पेमेंट जो किसानों ने अपने खाते दिए हुए हैं उनके खाते में जाती है। इसमें जो उसकी प्रक्रिया है वो ये है कि एक दफ़े हमने प्रोक्योरमेंट कर ली, प्रोक्योरमेंट के बाद उसको जब मंडी से एग्ज़िट गेट पास कट जाता है, तो एग्ज़िट गेट पास कटने के बाद जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो उसका बिल बनाती है, और बिल की फिर अल्टीमेटली पेमेंट के लिए फाइल जाती है और वो फाइल अप्रूव होकर पेमेंट होती है। ये सिस्टम है जिसके लिए एग्ज़िट गेट पास कटने के 72 घंटे का टाइम हमारे CM ने मुकर्रर किया हुआ है। इसमें हमारे पास 55,27,000 टन में से आज 54,40,000 आप मान सकते हैं इतने टन की डिस्पैच हो चुकी है। तो जो डिस्पैच हुई है उसके अगेंस्ट 52,90,000 टन की हम पेमेंट कर चुके हैं, जो कि रफली डिस्पैच हुई हुई क्वांटिटी का लगभग 97% के करीब है। तो लगभग हम अपने फोकस टारगेट पे फोकस तरीके से बढ़ रहे हैं, और इस बार हमने लगातार पेमेंट बहुत टाइमली की, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी होगी कि फार्मर्स को पेमेंट नहीं मिली। अनुराग रस्तोगी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से जो धान की खरीद की गई है और जो मिल हैं उन पर अभी 15 तारीख को धान की खरीद बंद हुई है, और अभी से जो CMR की मिलिंग जो होती है उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, और इन्होंने ये भी कहा कि मिलर्स को लेकर नई पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है उसके तहत जो लोग फिट नहीं होंगे उन्हें आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ डिपो होल्डरों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर भी विभाग काम कर रहा है। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, इस पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने ANB न्यूज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। या फिर कहें स्मोग इन दिनों में चर्चा में है, चर्चा ही नहीं है, सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। देश की राजधानी के साथ साथ हरियाणा, आधा हरियाणा कहें या फिर NCR के बड़े ज़िले कहें कि उनमें भी ये पूरी तरह से लोगों को परेशान किए हुए है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश की स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा। उनसे हम जानेंगे कि क्या उपाय जो हैं इससे मुक्ति के लिए किए जा रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम ये बताएँ कि इन दिनों में, क्योंकि हर साल ऐसा कई सालों से हो रहा है, स्मोक जो है फिर ज़्यादा एक बड़ा विषय बना है, इससे जो ख़त्म करने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें पूरे साल भर में इसको देखना है, ना केवल जब ये एकदम से एक आपदा की स्थिति में पहुंच जाती है, क्राइसिस बन जाती है। और पूरे साल में देखने का मतलब है कि हम क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट करें, क्लीन एनर्जी पे जाएं और क्लीन या ग्रीन लाइफस्टाइल पे जाएं। तीन अगर बड़ी चीज़ें देखी जाएं तो जैसे वेदर इट इज़ कि पुरानी गाड़ियां या डीजल व्हीकल्स या ट्रैफिक मैनेजमेंट या मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इन सब को अपनाने की ज़रूरत है। हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें क्लीन कोल पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि अब इन सभी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ढंग से देखा जा रहा है, जो मौके की ज़रूरत है। अभी तक तो ये था कि बस आप एक महीने को ये किसानों ने पराली जला के सारी हवा ख़राब कर दी है। पहले हुआ कि दिवाली की वजह से, दिवाली में पटाखे बंद हो गए, हवा तो ठीक नहीं हुई, ठीक है ना। फिर वो हुआ कि ये पराली की वजह से, पराली में भी कमी आई है क्योंकि उसमें भी भारत सरकार ने भी और जो ये नज़दीक के राज्य हैं उन्होंने भी कोशिश की है। और देखिए, जहाँ कहीं भी बिहेवियर चेंज इन्वॉल्व है तो वो केवल किसी चीज़ को बैन करने से नहीं बदलने वाला है। तो हमारी कोशिश ये है कृषि विभाग में भी और बोर्ड में भी कि वो हम बिहेवियर चेंज के लिए लोगों तक पहुँचें, किसानों तक पहुँचें, एंड तभी इसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। पुलिस को और ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिए गए हैं ओल्ड व्हीकल्स के मामले में, ये क्योंकि लोगों से जुड़ा मामला है और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो हमारे NCR के इलाके हैं या देहात के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा पुराने वाहन चलते हैं। थोड़ा सा लोगों के लिए बताएं कि कितने वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा और कब से ये एकदम स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स करेंगे आप लोग? ये तो खैर आप ही बता सकते हैं, जो ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं 15 साल वाली। अभी हमने ऐसा कोई क्रैकडाउन नहीं किया, बट डेफिनेटली कहा है कि जो NCR के ज़िले हैं उनमें इसको रैंप अप करें, उनमें इस पे फोकस करें। और डेफिनेटली जो मैं बात कर रही हूँ पॉलिसी की, नॉर्मली जिन देशों में भी पुरानी व्हीकल्स को फेज़ आउट करने की का काम सफल हुआ है वहाँ पे लोगों को कुछ एक कैशबैक या बायबैक का ऑप्शन बिल्ट इन किया गया है। दैट इज़ माय पर्सनल व्यू आल्सो। सो दिस इज़ ये एक एस्पेक्ट है जो हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है उससे लोग फिर अपने आप इंटरेस्टेड होंगे कि क्यों ना मैं नई गाड़ी लूं जिसमें आज अगर वो 8 का एवरेज दे रही है गाड़ी तो वो 20 का एवरेज देगी। फर्क तो इतना आ गया ना टेक्नोलॉजी में। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फौरी तौर पर जो भी कदम प्रदूषण से लोगों को बचाए जाने के लिए लिए जाने चाहिए थे वो लिए गए हैं, भले स्कूल बंद करने की बात हो या अन्य।
इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन जिन जिलों में ज़्यादा जली है वहाँ पर किसान आंदोलन का या एक माइंडसेट का भी असर देखने में आया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के रोड मैप में यही रहेगा कि शुरू से ही पोल्यूशन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएँ, जिसमें भले ही जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको परमिशन ना दी जाए, या फिर जो वाहन हैं 10 से 15 साल पुराने, पेट्रोल के मानिए 15 साल और डीजल के 10 साल पुराने वाहन, उसे भी स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स किया जाएगा, ऐसे निर्देश ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ने की खबरें सामने आ रही है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ये पहली बार है जब संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद सामने आए। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब के किसान नेता हमसे जलते हैं। इसके साथ ही चढ़ूनी ने अंबाला से दिल्ली तक निकाले जाने वाले मार्च को लेकर भी अपना बयान दिया। मेरे को ये लगता है कि शायद उनको जन जरूरत से ज़्यादा पैदा हो गई है, और या वो पूरी बात को समझ नहीं रहे हैं, मिशन पंजाब से वो ज़्यादा खफा है। अब ना तो वो ये बता पा रहे हैं कि पंजाब में किसको वोट डालनी है, क्या जिन पार्टियों ने हमें आज तक लूटा है या जिन्होंने अभी तक कानून बना के किसानों का शोषण किया है, क्या उन्हीं पार्टियों को वोट डालनी है, और अगर डालनी है तो वो बताएं किसको डालनी है, या फिर आंदोलन का बहिष्कार करना, बायकॉट करना है। अगर बायकॉट करना है वो भी उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट करें कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। नहीं है कि हम इसलिए 29 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि हमें राजनीति करनी थी, और 29 साल से किसी दूसरी पार्टी में जाते तो खूब राजनीति कर सकते थे, जैसे लोग कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते थे। तो मकसद और मतलब जितना हम काम कर रहे थे तो किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता करता भी नहीं देखा होगा, और कितने बार सैकड़ों बार तो जेल की यात्रा कर ली, कितने मुकदमे आज भी दर्ज हैं। तो ये सब चीज़ों की राजनीति में ज़रूरत नहीं होती। तो मकसद कोई राजनीति करना नहीं, और मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि पंजाब से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हाँ पंजाब के लोगों को ज़रूर लड़वाएंगे, अच्छे लोगों को ज़रूर आगे करेंगे। मेरे को बात आ गई है कि पंजाब की और भी कई जथेबंदियाँ साथ में उनके, कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, वो पहले दिन से लेके 25 तारीख 26 पिछले साल की जब 25-26 को हम शुरू हुए थे, वो तब से लेके ही हालात ये बन गए हैं कि हमारी थोड़ी सी भूमिका जो है इसमें अग्रणी नहीं रही, और वो ये सोचते हैं कि बड़ा नेता तो मैं था, और अब जो जो आंदोलन का स्टाइल है वो इसका लोग बढ़िया मान रहे हैं, तो इस बात से शायद कहीं जलन उनमें। हरियाणा कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 से 29 नवंबर तक चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लेकर फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र खादियान ने बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा निकाली। पूर्व मंत्री वीरेंद्र खादियान ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी कुमारी शैलजा के आह्वान पर यह जन जागरण अभियान चलाया गया। वीरेंद्र खादियान ने कहा कि केंद्र और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बढ़ती महंगाई से हर वर्ग दुखी है। ये ले कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार 7 साल से केंद्र में भी और हरियाणा में भी है, तो 7 साल के अंदर जो काम जो नीति भाजपा ने बनाई उससे आज प्रदेश और देश का हर वर्ग दुखी है। तो उसको देखते हुए हमारी पार्टी हाईकमान आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी, सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि 14 तारीख से लेकर के और 29। इधर उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों के चलते हरियाणा के सभी महाविद्यालयों में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अब दाखिले से वंचित रहे छात्र छात्राएं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के पहले साल में दाखिला ले सकेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए तोषा महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि विभाग ने बचे हुए छात्र छात्राओं को दोबारा मौका दिया है, वो ग्रेजुएशन के पहले साल में दोबारा दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल को 15 नवंबर से 21 नवंबर तक खोला गया है, जिस पर छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं और 22 नवंबर तक दाखिला ले सकते हैं।
सरकार ने उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कारणवश एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं ले पाए, उन विद्यार्थियों को पुनः एक अपॉर्चुनिटी दी है और एडमिशन का जो पोर्टल है वो 15 नवंबर से लेके और 21 नवंबर तक खोला है और 22 नवंबर तक वो सभी विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे। इसमें एडमिशन सिर्फ उन्हीं सीटों पर अंगेज मिलेगा जिस भी महाविद्यालय में सीटें खाली हैं, जिस कॉम्बिनेशन में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में अगर सीट जिस महा। अगली खबर रोहतक से, जहां जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार राजकीय वरिष्ठ मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सांपला के विद्यार्थियों ने एक रैली निकालकर पराली ना जलाने और प्रदूषण से बचाव के लिए कदम उठाने का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षक भी रैली में विद्यार्थियों के साथ रहे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सांपला जितेंद्र खत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं, व्हीकल्स की बहुतायत, पटाखों का इस्तेमाल और पराली को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कम से कम एक सप्ताह के लिए पराली को जलाने से बचें। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।